तुझे कितनी बार बोला हुआ है कि मेरी कार पार्किंग है, या किसी और की कार मत लगवाया कर, तेरे समझ में नहीं आती क्या? साहब इस पार्किंग के पैसे हमारे साहब अलग से देते हैं, इसलिए हम गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं साहब। इसमें थप्पड़ मारने तो कोई बात ही नहीं है। थप्पड़ मारने वाली बात? ये कार पार्किंग मेरी है और दोबारा मारूंगा थप्पड़ अगर किसी और की गाड़ी खड़ी करवाई तो, आई समझ में? और आज के बाद या किसी की गाड़ी खड़ी ना हो जाए। क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हो? सर ऊपर फ्लोर वालों ने ना मेरे हाथ ही थप्पड़ मार दिया सर। थप्पड़ क्यों मारा आपको? पार्किंग के चक्कर में सर। इनका ना बहुत हो गया है, आज सर को बताना ही पड़ेगा। हेलो सर, जो ऊपर वाले फ्लोर पे ऑफिस है ना, वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी बदतमीजी की है लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आज उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने हमारे गार्ड अंकल को थप्पड़ मार दिया। ठीक है सर, आप आ जाइए। कोई बात नहीं अंकल, सर आ रहे हैं अभी। कुछ नहीं सर, आते थप्पड़ मार दे सर, कह रहे हैं मेरी गाड़ी खड़ी होती, मेरी खड़ी होगी बस। तुमने उन्हें बताया था कि हमें इसका अलग से पे करते हैं? जी सर बताया था सर, फिर भी मारते सर। कोई बात नहीं, तुम्हारे थप्पड़ का बदला ऐसा लूंगा कि मेरे थप्पड़ की गुंद उसके कानों से जिंदगी भर तक नहीं जाएगी। कोई बात नहीं सर, आप जाओ। और संजू कैसे आना हुआ, और बताओ सब ठीक है बिल्डिंग में? हाँ सब ठीक है, वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी इसलिए आया हूँ। बताओ। वो मैं आपकी बिल्डिंग खरीदने के लिए सोच रहा था। बिल्डिंग खरीदनी मतलब? एक्चुअली क्या है ना, मुझे काम बढ़ाना है तो मुझे एक फ्लोर और चाहिए, तो एक्सपेंस ज़्यादा होएगा एक और लूँगा तो। मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। देखो वैसे तो ऐसा कोई विचार नहीं है मेरा बिल्डिंग बेचने का, लेकिन हाँ अगर अमाउंट सही मिले तो मैं सोच सकता हूँ। आप एक बार अमाउंट बता दीजिए। 10 करोड़ मंजूर है। ठीक है, जैसे ही पैसों का अरेंजमेंट हो जाए मुझे बता देना, मैं पेपर रेडी कर लूँगा। पूरे 10 करोड़ है, आप पेपर रेडी करवा लें। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे ऑफिस में आने की? निकल मेरे ऑफिस से बाहर। ऑफिस से बाहर तो जाओगे लेकिन मैं नहीं, तुम। क्या बकवास कर रहा है? ये पूरी बिल्डिंग मेरे साहब ने खरीद ली है, ये रहे उसके ऊपर। तुझे 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, ये अपना ताम जाम उठा और निकल यहाँ। और जब तूने इनको थप्पड़ मारा है ना, थप्पड़ मैं भी तुझे मार सकता था, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज जिंदगी भर तेरे कानों में गूंजती रहेगी। सर सर सॉरी सर, सर प्लीज़ सर ऐसा मत करो सर, सर मैं बर्बाद हो जाऊँगा सर, प्लीज़ सर, सर मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा सर। ये तूने इनको थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था, ये मेरे लिए काम करते हैं और मेरी बाप की उम्र के, और मैं इनकी उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी अपने बाप की करता हूँ। पर ये जो 1 महीने का टाइम तुझे मिल रहा है ना, इनके कहने से मिल रहा है, नहीं तो मैं तुझे आज ही यहाँ से निकालूँगा। 1 महीने का टाइम है, कर दिया खाली।